वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आरआरबी बेंगलुरु, तो इसमें क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होने वाला है उसके लिए जो लिस्ट आ गई है, ठीक है, ये बेंगलुरु की लिस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट वाइज लिस्ट दी गई है कि किस डेट में किस कैंडिडेट का आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दिखा देते हैं कि क्या दिया गया, आपका रोल नंबर दिया है या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। तो ये आपका रोल नंबर दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है द रोल नंबर, यहाँ 10.0 में लिखा गया है आपका द रोल नंबर ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 1623 स्टूडेंट्स शेड्यूल्ड हियर इन। तो टोटल जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट फेज में बुलाए जा रहे हैं वो है 1623 स्टूडेंट, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है 18 तारीख सुबह 9 बजे से, और उस फर्स्ट फेज में 50 स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं फर्स्ट सेशन में, ठीक है। और मतलब कि देखिए यहाँ पे 19 तारीख को 2 सेशन है, एक 9 बजे है और एक 1 बजे से है, ठीक है। तो उस दिन क्या करते हैं 50-50 कैंडिडेट 100 कैंडिडेट करके हैं, तो आप अपना नाम देख लें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है और फिर उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि बेंगलोर ने क्या किया है कि सारी चीजें दे दी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके इसका सारा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे से सिंपल भाषा में समझा दूंगा। देखो फर्स्ट 1.0 में क्या दिया हुआ है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज पब्लिश इन द ऑफिशियल, ये डेट दिया गया है कि इतना तारीख को हुआ था। फर्दर टू द अबव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज शेड्यूल्ड फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ 1623 स्टूडेंट, ये दिया गया है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है बैंगलोर का, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैंगलोर क्या है, आरआरबी जो है नंबर 18 मिलर्स रोड बेंगलुरु, पिन कोड दिया गया है, नियर दिया गया है नियर कैनोटमेंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन एज पर द शेड्यूल डेट एंड टाइम बिलो, ठीक है। ओके वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखिए द एसएमएस ईमेल्स अलर्ट्स आर बीइंग सेंट टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल आर डाउनलोडिंग देयर ई कॉल लेटर विथ इफेक्टिव टू नो, ठीक है। तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, लाइव हो चुका है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। आपको मेल के थ्रू और आपके एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप लोग अपना एक कॉल लेटर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आपको लेके क्या क्या जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ लिख दिया कि मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 10th का सर्टिफिकेट लेना है एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहां पे एडमिट कार्ड ले जाइएगा, उसमें उनका नेम ऑफ फादर जरूर होना चाहिए मेंशन, ठीक है। वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द नेम्स मेंटेन इन द सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आपको क्या ले जाना है 10+2 इंटर हाई सेकेंडरी, यानी कि आपको 10+2 या उससे जो उसके जो बराबर के डिग्री हैं कोर्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है। फिर आपको डिप्लोमा किए हुए हैं या इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एनसीबीटी एससीबीटी जो भी किए हैं उसका भी लेके जाना है, यानी कि तीन तो आपको एजुकेशन के सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक 10th के, एक 12th के और एक डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो भी आपने किया हुआ, और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डिग्री लेके जाने की, उसमें मार्कशीट जो है सेमेस्टर वाइज लिखा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या लेके जाओगे, एडमिट कार्ड ले जाना और मार्कशीट, ये दोनों चीजें दोनों के दोनों ले लेना, ठीक है। और बाकी सर्टिफिकेट उसमें मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये दोनों मस्ट होते हैं, इसमें ही आपका सारा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। अब थर्ड में आप देखते हैं कि एससी एसटी जो है आपका सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है, ठीक है, एनेक्सर 1 के हिसाब से। फिर वैलिड ओबीसी एनसीएल, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर जो है यही एलिजिबल है, तो ओबीसी एनसीएल जिनके पास है उनको वो अपना लेके जाना है। फिर नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन भी लेके जाना है जो कि ओबीसी एनसीएल है, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो लेके जाना है, ये साथ साथ में एक क्या लेके जाना है डिक्लेरेशन लेके जाना है। फिर देखिए इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, वीविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनएक्सएलवी, तो जो इकोनॉमी ईबीसी के हैं उनके उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और देखिए फिर ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे आपको एनओसी मांग रहा है, यहाँ जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे वहां से आपको एनओसी लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। मेंशन रीजन ऑफ डिस्चार्ज एंड अदर डिटेल्स, ठीक है, वहां से छोड़ क्यों रहे हैं ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। फिर फॉर एक्स सर्विसमैन हु सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस सीएन, एक्नॉलेज कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन सबमिटेड टू द सिविल एम्प्लॉयर गिविंग डिटेल्स एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस सीएनएन अलोंग विद एनओसी, तो फिर वहां से आपको एनओसी लेना होगा, ठीक है। जो मतलब इनका कहना है कि जो इनका एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद किसी का जॉब लगा है, तो वहां से के लिए आपको क्या चाहिए, वहां से आपको जॉब छोड़ना वाला नहीं चाहिए लेकिन एनओसी वहां के चाहिए, ठीक है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि पीडब्ल्यूडी या डिसेबिलिटीज हैं जिनका हैंडीकैप्ड है उनको क्या चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो आपका जो एनओसी होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो जो है उसमें आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है।
माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑफ नॉन जुडिशियल। अब माइनॉरिटी जो है या मुस्लिम या सिख या ये वगैरह जो भी कम्युनिटी में आते हैं उनका जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी उनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब गैजेटेड नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एफिडेविट या आपको गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा एक लिखित तौर पर आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट ले जाना है जिसमें कि आप अगर नेम चेंज होता है या कुछ गलती वगैरह है उसके रिगार्डिंग आपको उसमें लिख के ले जाना है, ठीक है। फिर जे एंड के डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर जम्मू कश्मीर के है तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्योंकि उनको जो है प्रावधान मिलता है इसमें। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर ये नेशनलिटी फॉर कैंडिडेट अदर देन सिटीजन, तो अगर इंडिया के बाहर है उनके लिए ये दिया गया है। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट, ठीक है। तो ये अगर किसी के पति की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उनको क्या करें डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ठीक है। और द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल रेगुलर डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि सर्टिफिकेट जो है प्रोविजनल या रेगुलर दोनों में से कुछ भी आप डिग्री ले जा सकते हैं। एनएसए शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ इशू होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया गया है। अब दूसरा यहाँ पे है कि आपको 6 पासपोर्ट साइज एक महीने के अंदर खींचे हुए फोटोज को ले जाना है, ठीक है। अब दिया है इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग नेम फादर्स नेम इन वन ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट एफिडेविट। देखिए यहाँ सिंपल साफ साफ भाषा में लिख दिया गया है कोई भी गलती या कोई भी चेंजेस वगैरह हैं, ठीक है, या कोई आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं पेपर वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग आपको एफिडेविट एकदम लेके जाना है। सिंपल भाषा में ये चीज लिखा गया है। सर्टिफिकेट ऑन द सेम ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, तो वहां पे आपको वेरीफाई किया जाएगा। आधार कार्ड और या ई आधार कार्ड आपको लेके जाना है। इन एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद द कैंडिडेट, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा आपने मेंशन किया था अपने फॉर्म में तो उसको भी आपको लेके जाना है। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग 2 सेट ऑफ क्लियर एंड एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोज कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि 2 फोटो कॉपी एट लीस्ट, मतलब कम से कम आपको लेके जाना है, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि वहां पे हर डॉक्यूमेंट में, यानी कि मान लो आपका 10th का मार्कशीट है तो उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, फिर मान लो कि 10th का एडमिट कार्ड है, 12th का एडमिट कार्ड है, सब में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आधार कार्ड का फोटोकॉपी है उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिग्नेचर आप करके ले जाइएगा जरूर से जरूर, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ स्पेशल नोट किया गया है। इन एडिशन ऑफ अप्लाइंग अबव रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपलोड कलर स्कैन्ड इमेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फोटो इन आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल आरआरबी ड्यूली, ठीक है। साफ साफ आपको यहां कह दिया गया है कि आपको जो है 12 से लेके 17 यानी कि 12 जून से लेके 17 जून के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके आप जाएंगे उनको आपको फोटोकॉपी जो है उनको आपको ऑनलाइन इनके जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको वेबसाइट भी मेंशन कर दिया गया है www.rrbdv.in, उस पर आपको क्या करना है अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आप गलती मत करना कि भूल जाना, इसको आप जरूर से जरूर कर देना। अब दूसरा क्या है, कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट फेलिंग टू प्रोड्यूस अबव मेंशन्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आप अपना ओरिजिनल नहीं लेके जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिख दिया जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। द कैंडिडेचर ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट। तो सिंपल सा बात यही कहा जा रहा है कि डीवी के लिए जा रहे हैं तो गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, ये प्रोविजनल बेसिस पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो ही आपको जॉब मिलेगी। अब यही सब कुछ दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन जो आई डोंट थिंक कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिख के दिया गया है उसको मैं देख लेता हूँ। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूली पेइंग 24 मेडिकल एग्जामिनेशन फी, 24 रुपीज आपको वो मेडिकल में करना पड़ेगा, उसके लिए टेंशन मत ले। बी वेयर ऑफ द डाउट्स हु मे मिसगाइड द कैंडिडेट्स विद फॉल्स प्रॉमिस ऑफ गेटिंग देम सेलेक्टेड। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी में फंसिएगा मत, कोई आपको बोलता है कि पैसा देगा कि तुमको हम जॉब दिला देंगे ये वगैरह दिला देंगे, तो जो जेन्युइन इंसान है वो तो करे ही नहीं, और जो गलत इंसान है वो भी नहीं करेगी क्योंकि उनका पैसा चला जाएगा और बेवकूफ बन जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आपको सारे कुछ बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उस चीज को लिखें, उसके रिगार्डिंग हम आपको मैसेज कर देंगे या कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे आपको हम अपना वीडियो बना के रिप्लाई कर देंगे अगर एक ही क्वेश्चन ज्यादा लोगों के द्वारा पूछा जा रहा होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी रहता है तो आप कर दें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप क्या करो, ठीक है, आप अपना क्वेरी लिख के भेज दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा पर्सनली। थोड़ा लेट भी हो सकता है, एक दो दिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको जरूर
रिप्लाई करूंगा इसका, आप मैं गारंटी लेता हूं और मैं करता भी हूं, ठीक है? भले मुझे लेट लग सकता है लेकिन मैं करता जरूर हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉलिंग नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। और ये जो पर्सनल नंबर है आपको कोई नहीं देता है, इतना पर्सनलाइज जो एक्सपीरियंस है कोई चैनल नहीं देता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है यूनिक है, ऑथेंटिक है और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।